वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला? यहाँ से सब दिखाई देता है। ठीक है, नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अभी तक हमने आपको खबरें दिखाई कि कथित संघी और अंधभक्त सड़कों पर लोगों को घेर कर गुंडई करते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, और अगर कोई नारा नहीं लगाता है तो डराते हैं, धमकाते हैं और मारपीट करते हैं। ये तो हुई सड़क पर बात और गुंडई की बात, लेकिन अब एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जहां संविधान की शपथ लेने वाले राज्यपाल और बीजेपी नेता मंच से, माइक से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। जी हां, और तो और जब पब्लिक, जब सरकारी कार्यक्रम में पब्लिक जय श्री राम के नारे नहीं लगाती है तो मंच पर से ही, सरकारी कार्यक्रम के बीच बाकायदा मंच पर से ही माइक से धमकी भी देते हैं। जिन लोगों को धमकी दी गई है, जिन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए हैं, उनका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, उस बयान को बताने से पहले आपको बीजेपी की फजीहत कराने वाला वीडियो दिखाते हैं। पहले वीडियो देखें कि कैसे राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी नेता मंच से, बाकायदा माइक से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला? सब बोले। यहाँ से सब दिखाई देता है मेरे को। ठीक है, तो ये है बीजेपी नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। आप देख सकते हैं कि कैसे मंच पर से ही सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, शासकीय कार्यक्रम चल रहा है, मंच पर से ही संविधान को तार तार करते हैं। संविधान जिसकी शपथ लेते हैं ये लोग, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सर्व धर्म संभाव की बात की जाती है। लेकिन असल में ये लोग कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर ही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। एक तरफ पहले वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, फिर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और जब सामने वाले जय श्री राम के नारे नहीं दोहराते हैं तो मंच पर से ही धमकी देते हैं कि मैंने देख लिया है कि किस किस ने इस नारे को नहीं दोहराया है। क्या है मामला आपको बताते हैं, न्यूज 24 की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शासकीय कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे बोले कौन नहीं बोला, मंच से सब दिखाई देता है मेरे को। तो मन से सब दिखाई देता है कि जय श्री राम किस किस ने नहीं बोला है। राज्यपाल जी हैं, धमकी दे रहे हैं, दबे शब्दों में धमकी दे रहे हैं कि जिस जिसने नहीं बोला है उनको मैंने देख लिया है, उनको मैं पहचानता हूँ। ये हाल है संविधान की शपथ लेने वालों का। जिन लोगों को धमकी दी गई है, जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे नहीं दोहराए थे, जिनको धमकी मिली है, उनका क्या बयान सामने आया है, उसे बताने से पहले थोड़ा सा आपको मामला बता देते हैं। जनज्वार की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि एमपी न्यूज, संविधान की शपथ लेने वाले एमपी के राज्यपाल मंगू भाई का कारनामा, सरकारी कार्यक्रम में सभी से लगवाए जय श्री राम के नारे। कैसे लगवाए हैं वो आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। अंदर खबर में लिखा हुआ है कि देश की राजनीति में ऐसा दौर चल रहा है जब संविधान की मर्यादा संरक्षित रखने शपथ लेने वाले खुलेआम उसी की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ये तो कई बार हुआ है, कई बार ऐसी वीडियो सामने आई है, कैसी खबरें सामने आई, हमने आपको दिखाई है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं वही खुलेआम संविधान की जो गरिमा है उसको तार तार करते हैं। आगे खबर में लिखा है कि एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। एमपी के गवर्नर मंगू भाई पटेल ने एक दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम में पद की गरिमा के खिलाफ आचरण का परिचय देकर सबको चौंका दिया। गुरुवार की सुबह आगर मालवा जिले के दौरे के दौरान लहसुन लिया गांव में एक शासकीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जब अपना भाषण शुरू किया तो मंच से ही उपस्थित जन समुदाय को जय श्री राम का नारा लगवाया। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें खबर में भी लिखा हुआ है कि वो शासकीय कार्यक्रम था,
सरकारी कार्यक्रम था, कोई इनका निजी कार्यक्रम नहीं चल रहा था, जहां पर ये जय श्री राम के नारे बाकायदा धमकी के साथ लगवा रहे हैं। आगे खबर में लिखा है कि महामहिम ने ये नारा दो तीन बार मंच से दोहराया। सबसे अंत में ये भी पूछा कि किसने नहीं लगाया है जय श्री राम के नारे, और ये भी कहते हुए दिखाई दिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल, कि ने जन समुदाय को जय श्री राम का नारा धीमी आवाज में बोलने पर हिदायत भी दी कि कौन नहीं बोला, यहाँ पर सब दिखाई देता है, मुझे भुलावे में मत रहना। तो मुझे सब दिखाई देता है कि कौन कौन नहीं बोला है जय श्री राम का नारा, कौन कौन नहीं दोहरा रहा है। तो खुद संवैधानिक पद पर बैठकर उसकी गरिमा को तार तार करते हैं, वही दूसरी तरफ सामने वालों को धमकी भी देते हैं। वीडियो जब सामने आता है तो आप देख सकते हैं, वीडियो भी वायरल होता है, इनको मतलब कैमरे का भी किसी तरीके का कोई डर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि इस घटना को लेकर जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे नहीं दोहराए थे, उन जिनको धमकी मिली है, उनका क्या बयान सामने आया है। खबर में ही लिखा हुआ है, उन्होंने बयान दिया है कि इस घटना को लेकर कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना है कि महामहिम ये भूल गए हैं कि किसी भी शासकीय कार्यक्रम में किसी राज्यपाल को धर्म विशेष का नारा लगाना शोभा नहीं देता है। तो आम पब्लिक को अपना फर्ज याद है, आम पब्लिक है जिसने संविधान की कोई शपथ नहीं ली है, जो कार्यक्रम में शामिल हुई है उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, सरकारी अधिकारी मौजूद हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन राज्यपाल को शायद अपनी शपथ याद नहीं है। आगे खबर में लिखा है, उनका बयान में लिखा है कि या ये भी हो सकता है कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल भारत की सर्वधर्म संभाव की नीति का पालन करना शायद मुनासिब नहीं समझा हो। अब इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल है भी वाजिब, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नैतिक दृष्टि से ऐसा आचरण सही नहीं है। तो ये आचरण क्या है वो आप देख सकते हैं, और इस आचरण के साथ धमकी क्या है वो आप समझ सकते हैं। धमकी भी दी जा सकती है कि जय श्री राम जिसने नहीं बोला, इसे धार्मिक नारा है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप धार्मिक नारे को किसी सरकारी कार्यक्रम में लगा सकते हैं या फिर किस लोगों को मजबूर कर सकते हैं, लोगों को धमकी दे सकते हैं। जबकि संविधान में साफ साफ लिखा है धर्मनिरपेक्ष है, हर किसी को पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आजकल ऐसा दौर चला है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसा खेल किया जा रहा है, कैसी गंगा बह रही है कि हर कोई इसमें ये साबित करने में जुटा है कि वो कितना कट्टर हिंदूवादी नेता है या फिर कि हिंदूवादी है। उसी की वानगी पेश करता ये वीडियो भी है। आपको मध्य प्रदेश की वो घटना तो याद होगी कि मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आई थी कि दिल दहलाने वाली खबर सामने आई थी, नहीं याद है तो एक बार दिखा देती हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी की देखिएगा, खबर में लिखा है कि एमपी के निमच में जिस बुजुर्ग को मुस्लिम समझ के मारा उसकी पीएम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। तो क्या खुलासा हुआ कि थप्पड़ मार मार के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, उसे मुस्लिम समझा गया, उससे आधार मांगा गया, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं था, बार बार आधार मांगा गया, नाम पूछा गया, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए गए, वीडियो खूब वायरल हुआ और आखिर में उस बुजुर्ग की मौत हो गई। ये वही मानसिकता है जो कि डराने धमकाने मारने पीटने से लेकर सब कुछ करने पर उतारू हो जाती है। मध्य प्रदेश की ये घटना है और मध्य प्रदेश के ही राज्यपाल, आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए जो ऐसी घटना को, ऐसी करतूत को, ऐसे कारनामे को अंजाम देते हैं खुलेआम, राज्यपाल को ही देख लीजिए, वो भी मंच पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और उसके साथ ही धमकी भी देते हुए सुनाई देते हैं। इस वीडियो पर, मध्य प्रदेश की इस खबर पर और जो कुछ भी चल रहा है देश में उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर